भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सीमेंट की बनी ब्रिक्स का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और फ्लाई एश ब्रिक्स को ही दोस्तों हम सीमेंट ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कारण सीमेंट की जो ईंट रहती है उनके फायदों से होता है दोस्तों। सीमेंट की ईंट से मकान बनाने में खर्च कम आता है, दीवार के दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी हो जाती है और मकान में नमी की भी परेशानी दूर हो जाती है। इतने सारे लाभों के कारण आज सीमेंट की ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम आपको फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस की वीडियो में हम आपको क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। इस फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में हम आपको बताएंगे क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी, क्या यूटिलिटीज लगेगी, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस की टोटल लागत कितनी होगी, बिजनेस में टोटल कमाई कितनी होगी, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल मशीन कहां से खरीदें, साथ में एक बार आपका फ्लाई एश बन गया, ब्रिक्स बन गया, उनको कहां पर बेचें। तो इस तरीके से हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए दोस्तों। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस का बहुत ज्यादा आज चलन है और इस बिजनेस की आप आसानी के साथ 8 से 20 लाख रुपए में शुरुआत कर सकते हैं। इनकम की अगर बात करें तो आप इस बिजनेस में पहले महीने से ही 11 लाख रुपए या इससे ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में क्या रॉ मटेरियल लगेगा। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं राख या फ्लाई एश कह सकते हैं, जो कि राख है बिजली से चलने वाले, जो कोयले से चलते हैं बिजली के प्लांट, वहां से ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। दूसरे रॉ मटेरियल जैसे जिप्सम है, लाइम है, सैंड रेत है, पानी है, ये आसानी के साथ आपको लोकल मार्केट या फिर इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मिल जाते हैं। मेन चीज़ जो रॉ मटेरियल है वो फ्लाई एश है, जो कि जो कोयले से चलने वाले बिजली के प्लांट होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर आपको आसानी के साथ 2 से 3 रुपये प्रति केजी में मिल जाती हैं या फिर इससे कम ज़्यादा हो सकता है। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में मशीन कौन सी लगेगी दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस को किस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ मैनुअल मशीन भी आती हैं अलग अलग, कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है, कुछ फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है। तो अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो अच्छी बात है, फुली ऑटोमेटिक मशीन लेना पड़ेगा, एक पैन मिक्सर लेना पड़ेगा जो जितने भी रॉ मटेरियल हमने बताए हैं उनको मिक्स करने के लिए, एक बेल्ट कन्वेयर भी लग सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईंट को पहुँचाने के लिए, कुछ इलेक्ट्रिकल्स, फिटिंग्स, लाइटिंग, ये भी आप को लेने पड़ेंगे। तो जो भी आप मशीन लेंगे दोस्तों उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आप कहां से खरीदें, उसके ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन की जानकारी आप जहां से भी खरीद रहे हैं वहां से आपको मिल जाएगी, पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो इसमें कोई आपको परेशानी आने वाली नहीं है। हमने रॉ मटेरियल की बात कर ली, हमने मशीन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में यूटिलिटीज क्या क्या लगेगी। तो पहली यूटिलिटी आपको जो लगने वाली है वो है जगह। तो आप कितना ये में भंडारण करेंगे, रॉ मटेरियल रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, मशीन रखने के लिए कितनी जगह लगेगी, साथ में आपके बनी हुई ईंट है उनको रखने के लिए कितनी जगह लगी, इस पर आपको जगह का चुनाव करना है। पावर कनेक्शन, वही मशीन आप कौन सी ले रहे हैं, मशीन कितनी हॉर्स पावर की, उस हिसाब से आपको पावर कनेक्शन लेना पड़ेगा। वाटर कनेक्शन भी लेना पड़ सकता है और आपको 8 से 10 मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में आप काफ़ी बड़े लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमा सकते हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में टोटल लागत कितनी होगी, इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पहली दोस्तों लागत दो बातों पर निर्भर करती, एक बार में लगती जिसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं और एक जो बार बार लगेगी उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल में आप प्लांट एक बार ले लेंगे, जगह एक बार ले लेंगे, बिल्डिंग वगैरह एक बार बना लेंगे तो, और मशीन आप ले लेंगे तो एक बार में ही ये खर्च होगा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल है जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, यूटिलिटीज़ है, साथ में जो मशीनों पर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये सब आपको वर्किंग कैपिटल में आना पड़ेगा। तो अगर हम देखा जाए ओवरऑल तो आप आसानी के साथ इस बिज़नेस को 8 से 20 लाख रुपये में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप 8 लाख की मशीन लेते हैं तो वो 800 से 1400 ब्रिक्स पर आवर का उत्पादन देती है या प्रोडक्शन निकालती है। अगर 30 लाख की मशीन लेते हैं तो ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 7000 से 9000 ईंटें प्रति घंटे भी ये मशीन बना सकती है।
रॉ मटेरियल के लिए अगर बात करें तो फ्लाई एस दोस्तों 400 से 600 रुपये प्रति टन आपको मिल जाता है। जिप्सम की बात करें तो 1500 से 1900 रुपये प्रति टन मिलता है। लाइम की बात करें तो 1300 से 1700 प्रति टन मिलता है। और अगर सैंड की बात करें, रेत की बात करें तो 600 से 800 प्रति टन मिल जाता है। और अगर आप एक ईंट बनाते हैं दोस्तों तो 2 से 3 रुपये का खर्च आता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 लाख ईंट बनाने पर आपको लगभग 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में कमाई कितनी होगी। जैसा कि हमने अभी आपको देखा कि एक ईंट बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 2 से 3 रुपये आता है। और यह लगभग 4 रुपये से 5 रुपये प्रति ईंट में आप मार्केट में आसानी के साथ बेच सकते हैं। और अगर हम 7 लाख की मशीन की कैलकुलेशन करें जो प्रति आवर 800 ब्रिक बनाती है, तो एक दिन में लगभग 6400 ईंट बना सकती है। और एक ईंट पर अगर 2 रुपये भी बचता है तो लगभग 12800 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करें। हो सकता है कि आप प्रति घंटे 800 ब्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं, हो सकता है कि 100 ही बना पा रहे हैं। और प्रतिदिन का अगर आप 8 घंटे भी मशीन चलाते तो 800 प्रति आवर बना रहे हैं, 800 प्रति दिन बना रहे हैं, तब भी आप आसानी के साथ इस बिज़नेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करें कि आप इस बिज़नेस से कितना कमा सकते हैं। जहां से भी मशीन खरीदें वहां पर जाएं, रॉ मटेरियल जहां से भी खरीदें उनके पास जाएं, रॉ मटेरियल देखें, मशीन देखें, उसके बाद ही इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करें। रॉ मटेरियल आप आपके लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ये लिंक मैंने जहाँ से मशीन कहाँ से खरीदें, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में प्रोडक्ट आपका बन गया, कहाँ बेचें? पहली चीज़ दोस्तों आप लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, इंडिया मार्ट वेबसाइट पर बेच सकते हैं, या फिर आप खुद की वेबसाइट बनाकर भी बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पर भी आपका कंस्ट्रक्शन का जॉब चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह चल रहा है, तो आप ठेकेदार से कॉन्टैक्ट करके ये जो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, वो बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेंगे। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको आरओसी के तहत आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। अगर आप खुद का नाम सुरक्षित करना चाहते हैं कंपनी का, तो आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। आपके लोकल जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी है वहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। और MSME का उद्योग आधार ले लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको लोन लेने में आसानी होगी। और साथ में भारत सरकार कुछ सब्सिडी प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको PCB से लेना पड़ सकता है, GST है, ये तमाम तरह के लाइसेंस आपको लेने पड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लाइसेंस के लिए आप आपके नज़दीकी उद्योग विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस को आप किस तरीके से शुरू करें, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी, कितनी कमाई होगी, कितनी लागत होगी, रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें, साथ में आपका प्रोडक्ट बन गया कहाँ पर बेचें। तमाम तरीके के पॉइंट पर हमने कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दें। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताएं। साथ में ये वीडियो कैसा लगा आप हमको लाइक करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने बिज़नेस की इस वीडियो किस तरीके का बनाया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास है बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे इसी तरह की बिज़नेस की वीडियो जो हम डेली अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाएगी। इस बिज़नेस की वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए बिज़नेस की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।